नमस्कार, शर्मिलास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी फूड, शकरकंद की चाट। अगर आपको कुछ हेल्दी खाने का मन करे और साथ ही साथ कुछ चटपटा भी खाने का मन करे तो ये एक बहुत ही अच्छा स्नैक है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। शकरकंदी की चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम शकरकंदी को भूनेंगे, यानी उसे अच्छे से पकाएंगे। तो इसके लिए अगर हम इसे बॉईल करते हैं तो इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है। तो हम गैस पे ही कैसे चूल्हे जैसे सेकेंगे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम पैन में एक चम्मच घी डालेंगे। अगर घर में घी अवेलेबल ना हो तो आप तेल भी डाल सकते हैं और उस पे ऐसे शक्करकंदी रखेंगे। अब हम ढक्कन हटा के शक्करकंदी चेक करते हैं। इसे करीब 10 मिनट हो गए हैं। ये देखिए थोड़ी थोड़ी पकने लगी है। अब हम इसे टर्न कर देते हैं। शक्करकंदी को बॉयल, बेक, स्टीम और फ्राई भी किया जाता है, लेकिन जब शक्करकंदी की चाट बनानी हो तब अंगीठी की सिकी हुई शक्करकंद में ही टेस्ट आता है। पर आजकल अंगीठी तो घर में होती नहीं है, तो मैं ये आपको तरीका बता रही हूँ। बॉयल करने के बजाय आप इसे ऐसे पकाएं। चलिए इसे फिर ढक देते हैं। आंच को हमने मीडियम से लो के बीच रखा हुआ है। देखिए बीच बीच में से चेक भी करते रहेंगे, टर्न करते रहेंगे, थोड़ी देर के लिए फिर से ढक देंगे। ये देखिए शकरकंद को सिकते हुए पकते हुए करीब 25 मिनट हो गए हैं, जिसमें हमने 2-3 बार इसे टर्न किया है। अब हम इसमें एक फोर्क गड़ा के देखेंगे, प्रिक करके देखेंगे। फोर्क आसानी से प्रिक हो रहा है, इसका मतलब हमारे शकरकंद स्वीट पोटैटोस पक गए हैं। अब मैं गैस बंद करती हूँ। स्वीट पोटैटोस को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब ठंडा होने के बाद हम इसका छिलका निकालेंगे। अब ठंड देखिए शकरकंद अब ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे छीलेंगे। देखिए शकरकंद को हमने छील लिया है, इसका छिलका निकाल लिया है। अब हम इसे काटेंगे। शकरकंद को हमने काट लिया है। अब हम इसकी चाट बनाएंगे। देखिए इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। थोड़ा नमक, थोड़ा काला नमक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, ये है नींबू का रस, धनिया पत्ती, और इसके अलावा आप जो इमली की या अमचूर की चटनी होती है सौंठ, वो भी डाल सकते हैं, और आप हरी चटनी भी डाल सकते हैं। देखिए स्वीट पोटैटो की चाट हमारी बन गई है। अब हम इसे सर्व करेंगे। तैयार है हमारी शकरकंद की चाट। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।